चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ खास बातें शेयर करना चाहती हूँ। इसके पहले भी मैं कॉटिना बेडशीट के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि मैं इसे मिंत्रा से खरीदी हूँ, वो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना उसका थ्रेड काउंट है, क्या साइज है, ये सारी बातें मैं इसकी पहली वीडियो में कह चुकी हूँ। लेकिन साथ में मैं ये भी आप लोगों से बताई थी कि जब मैं इसे यूज करूंगी, यूज करने के बाद इसका क्या क्वालिटी है, कैसा दिख रहा है, वो रिव्यू भी आप लोगों से बताऊंगी, क्योंकि ये मेरा फर्ज बनता है कि वो कितना हद तक अच्छा है और क्या उसमें प्रॉब्लम आई, वो बातें आप लोगों से शेयर करूं। जैसा कि मैंने जो दो बेडशीट वहां से खरीदी थी, वो दोनों बेडशीट है ये और ये। आप देख के सोच रहे कि इतना दिन के बाद मैं क्यों इसका रिव्यू कर रही हूं, क्योंकि हम अक्सर जो बेडशीट खरीदते हैं तो वो मैं पूजा में यूज करूंगी या फिर कुछ अच्छा ओकेशन होगा तब उसको बिछाऊंगी, इसलिए मैं रख देती हूं। तो मैंने इसे पूजा में यूज किया। पूजा में यूज करने के बाद मैं इसे एक बार वॉश की हूं, लेकिन आपको देख के इसको लग रहा होगा कि मैं इसे कितना बार वॉश की हूं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, ये मैं एक ही बार धोई हूं और धोने के बाद उसका रिव्यू जो है वो है मेरे तरफ से बहुत 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 खराब। सच बात बोला जाए तो शायद जो पैसा इन्वेस्ट करके मुझे जो चीज मिली, अगर मुझे वो कोई फ्री में भी दे देता तो मैं वो नहीं लेती। लेकिन मैं इसका कंप्लेन न मिंत्रा से कर सकती हूँ न कुछ, मैं बहुत ज्यादा होगा तो मैं वहां पे रिव्यू दे सकती हूँ कि ये बेडशीट कैसा है। लेकिन जब मैं इसे सर्च की अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में, तो वहां जाके जो बात मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ वो मुझे वहां पे मिल गया। वहां जाके उसका रिव्यू क्या मिला वो मैं आप लोगों को बाद में दिखा रही हूँ, लेकिन उसके पहले मैं शेयर कर देती हूँ कि इसका प्रॉब्लम क्या क्या मुझे नजर में आई। पहला प्रॉब्लम ये नजर में आई कि इसका कलर फेड हुआ, क्योंकि आप बोलेंगे कि हो सकता है कि मैं खराब डिटर्जेंट यूज करती हूँ या फिर मेरा धोने का तरीका शायद सही नहीं है इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कोई बात नहीं है। जैसा कि मैं इसके पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि मैं बॉम्बे डाइंग का बेडशीट यूज करती हूँ, रेमोंड का यूज करती हूँ और मैं मिंत्रा से ये खरीदारी भी करती हूँ, लेकिन मुझे इन चीजों से या जिस दाम में भी मुझे मिला है मुझे वहां पे कोई कंप्लेंट अभी तक नहीं मिला। लेकिन मैं इसका रिव्यू करने के लिए आज मजबूर हुई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरा जितना भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो पूरा पानी में गया है। पहली बात, हम चाहे जो भी चीज खरीदे, चाहे वो एक रुपया का हो या 100 रुपया का हो, हम तो देखेंगे कि वो हमारे कितने काम की है। इसको एक बार धोने के बाद ये साइज में छोटा हो गया, शायद आपको सुन के हैरानी हो रही होगी, क्योंकि ये मेरा किंग क्वीन साइज का बेड का मेरा बेडशीट था, जो मुझे जब मैं इसको वॉश की उसके बाद ये मैट्रेस के अंदर नहीं जा रहा है। जबकि इसके पहले मैंने जो आपसे वीडियो शेयर की थी उसमें आप देख चुके होंगे कि मैं कितनी अच्छी तरह से इसको पूरा मैट्रेस के अंदर मैं घुसा के इसको बिछाई हूं। अभी सिर्फ ये बिछाने लायक है। तकिए के जो कवर है वो भी छोटी, तो यानी प्रॉब्लम क्या क्या हुआ, एक तो चद्दर साइज में छोटा हुआ, दूसरा क्या, दूसरा इसका जो कलर है वो फेड हुआ। तो अभी जब मैं इसको अमेजोन में देखने गई तो वहां मुझे सेम प्रिंट मुझे नजर पे आया, जिसमें देखिए ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है बैड क्वालिटी का, और साथ में यहाँ पे और एक जगह भी लिखा हुआ है कि आपका इसका साइज पिलो कवर का छोटा हुआ है या फिर आपका जो बेडशीट है वो भी छोटा हुआ है। ये मेरा वाला प्रिंट है उसका था, ये और एक दूसरा कॉटिना बेडशीट का ही दूसरा प्रिंट का रिव्यू है, ये भी बहुत खराब रिव्यू है। तो पहले मुझे नहीं दिखाता, अगर दिखता तो मैं हरगिज नहीं लेती, लेकिन फिर भी मैं सोची थी हो सकता है कि कभी कभी थ्रेड काउंट के वजह से या फिर साइजेस के वजह से ये प्रॉब्लम्स आ जाती है एक एक जगह में एक एक तरह होने से। लेकिन अभी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये जितने भी यहाँ पे कंप्लेंट्स हैं खराब होने के वो सारे सही हैं, क्योंकि मैं खुद कहूंगी कि इस प्राइस में या कम में हो या ज्यादा में हो, कॉटिना बेडशीट का रिव्यू बहुत खराब है, क्योंकि मैं उस थ्रेड काउंट में दूसरा भी मैं बेडशीट यूज करती हूँ जिसमें मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया है अभी तक।
अगर कभी भी यूज करने के बाद आता है तो उसका रिव्यू भी मैं जरूर करूंगी। लेकिन ये मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बता दी कि मेरा बात कितना हद तक सही है, और मैं मेरे घर में चादर को बिछाऊंगी। बिछाने के बाद भी मैं आप लोगों से वो जो फोटो है वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि सच में चादर कितना छोटा हुआ है। मैट्रिक्स तक भी पूरा नहीं पहुंच रहा है, तब इसको मैं किस तरह से मैट्रिक्स के नीचे इसको अच्छी तरह से दबा पाऊंगी। इस तरह से इस चादर में भी आपका ये प्रॉब्लम है कि ये धोने के बाद छोटा हुआ है, और कलर जो पहले था जितना ब्राइट दिख रहा था उससे फेड हुआ है। खरीदने के बाद ये चादर इतना अच्छी तरह से पूरा अंदर तक, मैं इसको मैट्रेस के अंदर तक घुसाई थी, और इतना सुंदर अंदर में भी जितना ज़्यादा कपड़ा गया था वो धोने के बाद छोटे होने के वजह से क्या हो रहा है ना, पूरा निकल जा रहा है एकदम। इस ऑरेंज में भी सेम प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें लंबाई से ज़्यादा इसका चौड़ाई में प्रॉब्लम ज़्यादा है। लंबाई तो फिर भी थोड़ा सा इस तरह से अगर मतलब पूरा नहीं, थोड़ा सा मैं घुसाऊँ तो फिर भी एक तरफ मैं मैट्रिक्स के अंदर थोड़ा सा घुसा पा रही हूँ, लेकिन चौड़ाई में बिल्कुल नहीं हो रहा है। आपका चौड़ाई का भी दिखा रही हो, देखिए चौड़ाई में घुसाती हूँ तो बस वो जल्दी से निकल आ रहा है। मतलब वो होता है ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा होने से जैसे अच्छी तरह से पूरा अगर अंदर तक घुसा देंगे तो फिर क्या होता है ना, थोड़ा सा भी निकलने का चांसेस नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इधर उधर होने से आपका चादर निकल आ रहा है, क्योंकि ये छोटा होने की वजह से क्या हुआ ना, वो अच्छी तरह से हम अंदर पे उसको घुसा नहीं पा रहे। ये आप देखिए, ये मेरा तकिया का साइज है। अब मैं इसको आपको कवर पहना के दिखा रही हूँ, देखिए वो कितना सुंदर साइज में था और ये कितना मोटा फूल गया है, यानी तकिया का कवर छोटा हुआ है, इसलिए जो तकिया है वो मैं जैसे ही इसमें पहना रही तो ये पूरा मोटा होकर फूल जा रहा है। सेम प्रॉब्लम आपका इस कलर में भी है, ये देखिए आप देख सकते हैं, आपको मैं ऑलरेडी ऊपर से भी रख के दिखा रही हूँ कि तकिया कितना फैला हुआ है और कवर कितना छोटा है। तो इस तरह से मेरे मतलब तकिया का कवर और बेडशीट दोनों ही धोने के बाद छोटे भी हुए हैं, और साथ में इसका कलर भी जो पहले जो ब्राइटनेस था वो कम हो गया है, वो भी एक बार धोने से। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप कॉटिना बेडशीट खरीदते समय एक बार नहीं दो बार जरूर सोचें, और वो चाहे जितना भी कम दाम में मिले या जो भी मिले, जैसा भी मिले, जितना भी ऑफर में मिले, तो प्लीज मेरी तरफ से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा बेडशीट बिल्कुल ना खरीदें। क्योंकि ये तो अच्छा हुआ कि मैं ये बेडशीट किसी और को गिफ्ट नहीं की, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो फिर सोचिए कितना बड़ी मतलब बदनामी होती है, और लोग भी कहते कि मैं कितना खराब चीज दी हूं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो आप इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके वीडियो पे या फिर मैं जो आप लोगों से बात शेयर की इस बात पे अगर आप लोगों की कोई राय है, कुछ कमेंट है, तो वो भी आप मुझसे जरूर बताएं, और अपने दोस्तों तक हो सके तो आप इन्हें शेयर भी करें, ताकि वो भी इस तरह का सामान खरीदने से पहले दो बार जरूर सोचे, ताकि उनकी एक भी पैसा की बर्बादी नहीं हो, क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से कमाने पड़ते हैं, तो वो बेकार में क्यों जाए। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।